हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीराज कुकिंग कॉर्नर में। आज की रेसिपी है वेज बिरयानी, एकदम देसी स्टाइल में, लेकिन स्वाद होगा रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो हम बहुत ही आसान और सरल तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। वेज बिरयानी बनाने के लिए हमने चार बड़े साइज के प्याज कट कर लिए हैं। इनमें से आधा हम फ्राई करेंगे और आधा तड़के में यूज़ करेंगे। चलिए हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तेल काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो तभी प्याज अच्छे से फ्राई होंगे। हमें इसी तरह चलाते रहना है कलछी को, ताकि हमारे प्याज चारों तरफ से अच्छी तरह से पके और काफ़ी क्रंची बने। देखिए, हमारे प्याज का कलर चेंज होने लगा है। अभी इसे हमें और तलना है। जब तक हमारा गोल्डन ब्राउन नहीं होता तब तक हमें इसे अच्छी तरह से तल लेना है। हमारा प्याज काफ़ी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये निकालने के बाद और भी इसके कलर चेंज होंगे, इसीलिए हमें इसी स्टेज पे हमें प्याज को निकाल लेना है। हम वेज बिरयानी कुकर में बना रहे हैं, इसलिए हमने कुकर में तेल डाल के गरम कर लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हुए हैं, काली मिर्च, चक्री, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, दो तेजपत्ता, चार से पांच छोटी इलायची, एक छोटा चम्मच जीरा। अब इन सबको हम डाल देते हैं। इन्हें हम 30 सेकंड तक अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। मसालों से काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगेगी। बिरयानी बनाते समय खड़े मसाला डालना बहुत ज़रूरी होता है, और इन्हें अच्छी तरह से कुक करें ताकि मसालों का फ्लेवर काफ़ी अच्छी तरह से आए। मसाले हमारे पक चुके हैं। अब इनमें हम प्याज डाल देते हैं। ये हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज का कलर चेंज हो जाए तो यहाँ पे हमने 10 से 12 काजू लिया है, वो डाल देते हैं और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज और काजू साथ में ही अच्छी तरह से भुन जाएंगे। प्याज का कलर काफ़ी चेंज हो गया है, काफ़ी अच्छी तरह से हमारा प्याज भुन चुका है। अब इस स्टेज पे हमने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। हमारा अदरक लहसुन भी काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब यहाँ पे हमने कुछ सब्जियाँ ली हुई है, फ्लावर, गाजर, बीन्स, पनीर, आलू, मटर। अब इन सबको भी हम डाल देते हैं। साथ में फ्लावर भी डाल देंगे और इन्हें थोड़ा अच्छी तरह से हम भून लेंगे। गाजर, बीन्स और मटर हम बाद में डालेंगे, वो बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए उन्हें हम बाद में डालेंगे। इन्हें पहले हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। हमारे आलू और फ्लावर भी अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम गाजर डाल देते हैं और साथ में बीन्स डाल देते हैं और मटर लिया हुआ ये भी डाल देते हैं। अब इन सबको हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब तक हमारी सब्जियां अच्छी तरह से भुन रही हैं तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चार बड़े चम्मच दही लिए हैं। इसमें एक चम्मच हम रेड चिली पाउडर डाल देते हैं, तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार रख सकते हैं। एक चम्मच हम गरम मसाला डाल देते हैं, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से बिरयानी में डालने से हमारी दही बिल्कुल फटेगी नहीं और अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और मसाले भी काफ़ी अच्छी तरह से फूल जाएंगे। देखिए, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम सब्जियों को चेक कर लेते हैं। हमारी सब्जियां काफ़ी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। हमें इन्हें ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना ही फ्राई करना है कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हम जो मसाला बना के रखे हैं हम इसे डाल देते हैं। अब इन सबको हम मिक्स कर देते हैं।
इस तरह से दही में मसाले डाल के बनाने से दही हमारी फटेंगी नहीं और काफ़ी अच्छी तरह से पक जाएंगी। देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है, मसाले पकने लगे हैं। अब इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए हम यहाँ पे बिरयानी मसाला 1 चम्मच डाल देते हैं और इन्हें भी अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 टमाटो को कट कर लिया है, इन्हें भी डाल देते हैं। आप कोई भी शेप में कट कर सकते हैं, मैंने इसे सर्कल शेप में कट किया है, इसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। इन्हें डालकर अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। कुछ पुदीनों के पत्ते डाल देते हैं, पुदीने के पत्ते के बगैर बिरयानी में टेस्ट नहीं आता है, इसीलिए पुदीने के पत्ते भी डाल के हम मिक्स कर लेते हैं। और गैस फ्लेम हम लो कर देंगे, लो फ्लेम पर इसे हम बिना ढके ही 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। मसाले हमारे पक चुके हैं, अब यहाँ पे हम पनीर लिए हुए थे ये भी डाल देते हैं, फ्रेश धनिया के पत्ते लिए हैं ये डाल देते हैं। सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर हम पहले ही पनीर को डाल दिए होते तो हमारे पनीर फूट जाते थे, इसलिए हमने सबसे आखिरी में पनीर को डाला है। स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देते हैं, यहाँ पे हमने 1.5 चम्मच नमक लिया है, इन्हें मिक्स कर देते हैं। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। देखिए काफ़ी देखने में टेस्टी लग रहा है और काफ़ी सुंदर दिख रहा है इसका कलर। हमारी सब्जियां अच्छी तरह से पक चुकी है। हमने यहाँ पे 1.5 बाउल बासमती राइस लिया है, इसे मैंने पहले से ही वॉश करके रख लिया है, अब इन्हें भी हम इसमें डाल देते हैं। इन सबको मिक्स कर देते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, झटपट और आसानी से बन जाता है, आप इसे कभी भी बना के खा सकते हैं, हमें बार बार रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें जिस बाउल से हमने राइस का माप लिया था उसी बाउल से हम इसमें पानी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 बाउल राइस लिया था तो मैं यहाँ पे 3 बाउल पानी डालूँगी। देखिए 3 बाउल हमने पानी इसमें डाल दिया है। हम जिस बाउल से राइस का माप लेते हैं, चाहे जो भी माप ले उसका दुगना हम इसमें राइस में पानी डालेंगे तो हमारे राइस काफ़ी अच्छी तरह से और खिले खिले बनेंगे। अब इसमें हम ऊपर से फ्राई किए हुए हम प्याज डाल देंगे, इस तरह से डालने से बिरयानी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेश पुदीना के पत्ते ऊपर से डाल देते हैं। अब हम कुकर का लीड लगा के इसे हम 2 व्हिसल आने तक पका लेंगे। हमारा 2 व्हिसल हो चुका है, हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और प्रेशर निकलने का वेट करते हैं। हमारे कुकर का प्रेशर निकल चुका है, हम इन्हें एक बार चलाकर चेक कर लेते हैं। देखिए हमारे राइस काफी खिले खिले बने हुए हैं, एकदम सही मात्रा में बने हुए हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनी हुई है। एक बार इस तरह से घर पे बनाएंगे तो मेहमानों के घर पे लाइन लगी रहेगी। चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल वेज बिरयानी बनकर तैयार है, एकदम देसी स्टाइल में। आप इसे गर्मा गर्म रायते के साथ परोसे, सब बहुत तारीफ करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।